टुडेज एजेंडा इज, अगर मेरा स्कोर कट ऑफ से लेके, आई मीन टू से आपका 93 या 117 से लेके 150 तक हो, और जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो है कि मेरा बजट नहीं है सर, मैं 25-30 लाख डायरेक्टली, जो कि स्टेट कोटा फीस होता है, वही हम बियर कर सकते हैं पूरा साल में फॉर द एंटायर कोर्स, बट आई वांट टू बी अ डॉक्टर, मैनेजमेंट कोटा के बगैर मेरे पास और कोई चांसेस नहीं है, तो हमको क्या ईयर बाई ईयर ड्रॉप आउट करना चाहिए या सच में कोई यहाँ पे लूप होल्स होगा? तो आई गॉट दिस क्वेश्चन टूडे, एंड क्योंकि ये एक बहुत ही मैंने देखा एक हॉट टॉपिक है, सो आई थॉट कि हिंदी में वीडियो करना चाहिए. सो बीइंग एलाबोरेटिव, देखिए मेरा ये जो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा पहले से ही, कि ये जो थॉट्स है और जो बातें हैं, आई हैव जस्ट लर्नड इट इन माय पास्ट 6 to 7 years. मैं बोलना चाहूँगा कि व्यक्तिगत मेरा पेशा ही है स्टूडेंट एडमिशन का. मैं इंडिया में अब्रॉड में स्टूडेंट्स को एडमिशन्स करवाता हूँ, साथ में ही सर्टिफिकेशन, स्टूडेंट कोर्सेस, कैसे कैसे आप लोग जॉब करने के टाइम में भी जॉब करते करते कोर्सेस कर सकते हैं, वो डिफरेंट एजेंडा है. तो मैं एज एन एजुकेशनल काउंसलर, आई हैव ऑलरेडी पास्ड माई 7 long years ऑफ माई लाइफ. सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यही है कि क्या क्या लूप होल्स हो सकता है, स्मार्ट आइडियाज़ क्या क्या हो सकता है. देखिए ड्रॉप करना इज ए जनरल प्रोसेस, कोई भी चीज़ को ड्रॉप आउट करना और सेकेंड ट्राई लेना, इसमें भी आई पर्सनली फील कि कैलकुलेटिव होना बहुत ज़रूरी होता है. मतलब मान के चलिए हमको नीट में 10 marks मिला, तो अगले साल ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या ला सकता हूँ. मान के चलिए 93 मिला, अगले साल चलिए कैलकुलेटिव वे से डबल पकड़ के चल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी ने भी नहीं देखा कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है. माय फ्रेंड्स, मेरा सपना है, मेरा परिवार का सपना है टू बी अ डॉक्टर, बट इसके लिए मैं साल भर साल आई कैनॉट एज इन सिर्फ मैं तैयारी में लगा दिया तो सर रिजल्ट कब आएगा. सो आई फील सम थिंग्स कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए शायद. तो उसमें से एक ऑप्शन है द फैसिलिटेटर मोड. मतलब क्या कि कोई भी एक हॉस्पिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग करता है उसमें, मतलब कि इट इज़ अ फुल बेडेड हॉस्पिटल, फुल रनिंग हॉस्पिटल, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज़ एज गुड एज अ मेडिकल कॉलेज, एंड दोज ऑल द हॉस्पिटल्स आर हैव साइंड द MOU विथ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़. मतलब मेरा कैंपस है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ एक उलूबीर या हावड़ा में एक कैंपस है, आप लोग गूगल कर सकते हैं, जिसका नाम है संजीवनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. तो ये हावड़ा उलूबीरिया में लोकेटेड है ये हॉस्पिटल, ठीक है. तो ये लोग क्या करते हैं, लिंकॉन यूनिवर्सिटी के साथ मलेशिया का ऑलरेडी एक MOU है इन लोगों का, एंड लिंकॉन यूनिवर्सिटी इज़ बाई इट्सल्फ सर्टिफाइड बाई NMC, रिकॉग्नाइज बाई NMC. आप लोग NMC वेबसाइट में जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो. ये लोग क्या करते हैं, एक फैसिलिटेटर प्रोग्राम रन करते हैं, एंड टू सम एक्सटेंट ये 2018 सा, क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आई डोंट फील कि इसमें कोई कुछ, मतलब एक बैच भी ऑलरेडी इन लोगों का शायद निकल चुका है ऑलरेडी. एंड देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिकल, आप अगर बाहर एक स्टडीज़ करने जा रहे हैं, लाइक फॉर रशिया, मलेशिया, कोई भी, उसमें क्या होता है, नीट इज़ मैंडेटरी. तो नीट में आपका पासिंग मार्क्स अगर रहता है तो आप विदेश में जाके स्टडी कर सकते हो. उसमें दो एडवांटेज है, देखिए सब चीज़ का एक प्रोज होता है कौन सा होता है. इसमें एडवांटेजेस है कि आप, पहला बात तो है आपका जो कॉस्टिंग होता है वो पूरा मिनिमम हो जाता है,
सेकेंडली आप सर्टिफाइड होते हो बाई NMC एंड WHO आफ्टर क्लियरिंग द रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन, जैसे कि NEXT यहाँ के लिए, और वहाँ का क्लियरेंस एग्जामिनेशन होता है अगर आप जॉर्जिया में रह के आप मलेशिया में रह के या जॉर्जिया में जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हो वहाँ का, अगर आपको सिटीजनशिप लेना है या मैं बोलूँ कि वहाँ पे आपको आपको अगर वर्क वीज़ा चाहिए तो। तो एनीवेज हम इंडिया के बारे में ही बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक 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 अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है बाहर, ठीक है ना, तो उसमें जो कि मैं डिस्कस कर रहा कि प्रॉज जो होता है ये बजट फ्रेंडली होता है, वहाँ पे जाके आप लोगों को और भी एडवांस तरीके का मेडिकेशन फील्ड या मेडिकल प्रैक्टिस मिलता है। NMC का ऑर्डर यही है कि आप 1 ईयर इंटर्नशिप इन दैट कंट्री, मतलब फॉरेन में आपका 1 ईयर इंटर्नशिप एंड 1 ईयर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस और इंटर्नशिप इन इंडिया इज मैंडेटरी आफ्टर क्लियरिंग द अब तक जो चल रहा था वो है FMG और अभी 2023 से जो इम्प्लीमेंट होने वाला है दैट इज़ NEXT नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन, जो कि हालांकि सब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए ये मैंडेटरी हो चुका है फॉर लाइसेंसिंग और प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे अगर मेरा मार्क्स ज़्यादा नहीं है तो मैं अगर जॉब भी देता हूँ अगले साल, देखिए मिराकल्स डू हैपन बट मिराकल्स का प्रोबेबिलिटी कितना है कैलकुलेट वे से सोचना चाहिए हम लोगों को। देखिए ड्रॉप दिए नेक्स्ट ईयर में एक अच्छा मार्क्स आए ये सभी चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं हुआ तब ऑप्शन क्या है मेरे पास? सो इफ आई एम नॉट श्योर, मेरा सबसे जो बड़ा इशू है वो है बजट। एक एवरेज MBBS का कॉस्टिंग ही अगर आप देखना चाहे स्ट्रेट अवे माई फ्रेंड 65 से लेके अपर लिमिट इज 1 करोड़ एंड प्लस, ठीक है। अगर इंडिया का कोई भी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में हम बात करें प्राइवेट, और इस मार्क्स में तो आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ही आएगा। सो एक जो पॉइंट होता है अगर हम लोग सोचे ऐसे कि नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आई एम एन amateur फॉर मेकिंग YouTube वीडियो, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं जस्ट अपना लाइफ का एक्सपीरियंसेस और कुछ ऑफ बीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता हूँ जो लोग डॉक्टर बनने का ठान चुके हो लाइफ में। सो आई एम टॉकिंग अबाउट देम देयर पेरेंट्स। तो देखिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है बजट फ्रेंडली तो होता है, लेकिन बाहर जाके हम लोगों को अगर फॉरेन में एडमिशन लेते थे हम लोग क्या करना पड़ता है, वहाँ पर जाके हमको रहना पड़ता है जनरली, इन जनरल स्पीकिंग। तो इसके लिए बहुत सारा गार्जियंस बैकअप कर जाते हैं क्योंकि ग्लोबल इश्यूज़ होते ही रहते हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन का वॉर, तो वहाँ पे भी तो बहुत सारा मेडिकल स्टूडेंट्स गए हुए थे, लेकिन हम लोगों का माननीय गवर्नमेंट ने इसका भी सलूशन कर दिया है, वो हालांकि एक अलग मैटर है। तो आपको वहाँ पे रह के करना पड़ता है कोर्स कंप्लीट, एंड वहाँ पे क्या होता है एक लाइफस्टाइल चेंज है। देखिए बात ही है जैसा देश वैसा भेष, तो आप जिस देश में रहते हो वहाँ का कल्चर वहाँ का लाइफस्टाइल से आप ऑटोमेटिकली अपने आप को ठान लेते हो, और वहाँ पे बहुत सारा कंट्रीज ऐसा होता है यू अंडरस्टैंड गाइस दैट नाइट लाइफ इज डिफरेंट देयर, राइट। सो बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए जो जो नेसेसिटी होता है वो अगर आप अपने आप में कंट्रोल ला सके, अनुशासन ला सके, यस दीज आर द की स्किल्स टू बी अ डॉक्टर माई फ्रेंड्स। सो क्या होता है स्टूडेंट्स का FMGE क्लियरेंस अभी तक और NEXT जो बाहर से पढ़ के आते हैं स्टूडेंट्स, उन लोगों का पासिंग रेट बहुत ही कम होता है ड्यू टू ऑब्वियस इशूज। इसमें समझना पड़ेगा हम लोगों का खुद का फॉल्ट क्या क्या है। हम लोग अगर बाहर जाके भाई साहब स्टडी नहीं करेंगे जिस चीज़ के लिए हम लोग गए हुए हैं, और अगर सच में हम लोग मान चुके कि हम लोग ऑलरेडी होता है ना भाई डॉक्टर, भाई हम लोगों को डॉक्टर बनना है, सो कमिंग बैक टू द पॉइंट यही होता है कि FMGE क्लियरेंस कम होता है। तो अगर कोई बाहर जाता है तो अभी मैं पढ़ रहा था आर्टिकल में और मैं खुद भी ये देखा हूँ कि फिलीपींस एंड बांग्लादेश का FMGE पासिंग रेट ज़्यादा होता है। स्वाभाविक कारण है क्योंकि देखिए बांग्लादेश का कल्चर भी इंडिया का जैसा ही है, नाइट लाइफ कुछ नहीं है, सो यू नीड टू आइदर स्लीप और स्टडी। तो वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं लोग एंड
एक कॉमन लैंग्वेज भी है बंगाली, जो कि इंडिया का एक कॉमन कॉमन लैंग्वेज है अदर देन हिंदी, ये भी मतलब समझते हैं लोग। सो दे आर सर्टेन इशूज माई फ्रेंड्स जो हम लोगों को लॉजिकली एंड मैथमेटिकली कैलकुलेटिव होना होगा। तो यहाँ पे ये जो मेंटल प्रॉब्लम है, मेंटल ब्लॉक्स होता है, अगर हम लोग उसको क्लियर कर सके, जैसे कि ये फैसिलिटेटर मोड, जैसे कि मैं बात कर रहा था वीडियो में कि लिंकन यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशन पर NMC सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी के लिए आपका MOU है, स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसा कि 300 बेडेड संजीवनी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हावड़ा उलूबेरिया में जो स्थित है, उसके साथ साथ और भी दूसरा यूनिवर्सिटीज़ भी उभरने लगे हैं इस मोड में। मैं बता दूँ इसके लिए है सुभारती यूनिवर्सिटी ऑफशोर मोड मेडिकल, नारायण ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, केल यूनिवर्सिटी। तो इन सब का क्या होता है, आप बोलोगे कि सर इसका कोई हम लोगों का एडवर्टाइजमेंट, देखिए एडवर्टाइजमेंट नेसेसिटी पब्लिक नोटिस नेसेसिटी किन चीज़ का आता है, यहाँ पे पब्लिक नोटिस किस चीज़ का जारी किया जाता है इंडिया में, एक ही चीज़ का जारी किया जाता है, वो है आपका ऑन द बिहाफ ऑफ एनी पब्लिक इंटरेस्ट। तो ये जो इशू है या ये जो एक मोड ऑफ एजुकेशन है, ये तो भारत सरकार के द्वारा या NMC ऐसा कोई रूल्स नहीं बताया है कि ऑफशोर के लिए अलग से क्या क्या प्राधान्य होना चाहिए। बस दे आर ऑलरेडी एक्रेडिटेड बाय द मलेशियन ऑथोरिटीज द यूनिवर्सिटी, ये भी एक यूनिवर्सिटी के तरह ही ट्रीट करना होगा। मतलब ये मोड ऑफ एजुकेशन को समझना होगा कि स्टूडेंट क्या कर सकते हैं। संजीवन हॉस्पिटल में रह के कोलकाता में ही एक स्टूडेंट पूरा पढ़ाई करता है अप टू द 6 ईयर्स। क्या होता है बीच बीच में कॉलेज लिंकन यूनिवर्सिटी में जाके, क्योंकि इंटर्नशिप नेसेसरी होता है, वो भी कंप्लीट करवाता है। पूरा जिम्मा जो होता है कॉलेज का होता है। आपको कलकत्ता में रह के ये मेंटली आप अपने आप को ये समझा सकते हो कि मैं तो घर में ही हूँ, हमको तो बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। स्टूडेंट भी खुश और यहाँ पे गार्जियन का भी कोई टेंशन नहीं कि मेरा स्टूडेंट रशिया में है या यूक्रेन में है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, टेंशन नहीं है। तो ऐसे ही कुछ ऑफ बिट्स इंफॉर्मेशन, और भी क्या क्या ऑप्शंस हो सकता है टू स्टडी MBBS, टू स्टडी मेडिसिन, सच में सिनेरियो क्या है। देखिए फ्रेंड्स, आपको सच ढूंढना होगा, डोंट गो फॉर द ब्लॉग्स, डोंट गो फॉर द आर्टिकल्स जस्ट ब्लाइंड फोल्डेडली। दो चीज़ें समझ के रखिए, NEXT एंड आपका नीट, ये दोनों चीज़ें इज नेसेसरी फॉर स्टडिंग MBBS। BAMS, BHMS, BNYS के लिए दूसरा है स्थिति, BDS, MBBS ये दोनों कोर्सेज के लिए नीट इज मैंडेटरी एंड पासिंग नीट इज मैंडेटरी, ठीक है। हाँ, सेम मैंने बताया आपको कि कम कॉस्टिंग में या कम से कम आप खर्चे में, मार्क्स अगर आपका लो भी रहे तो आप कहाँ कहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड दोज ऑल यूनिवर्सिटीज आर सर्टिफाइड बाय NMC। सो आपको ये निश्चिंत रहना होता है कि आपका फ्यूचर में डॉक्टर बनना अगर आपने ठान लिया है एंड यू कैन पुट इन अ लिटिल एफोर्ट, यहाँ से भी पढ़ के आप लोग MBBS अच्छा डॉक्टर बन सकते हो। नेक्स्ट, कमिंग टू द पॉइंट कि दिस डिग्रीज आर वैलिड, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, दिस डिग्रीज आर डू वैलिड एंड ये लोग इतना साल से मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं माय फ्रेंड्स। हम लोगों को पता नहीं है इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये ठीक है या गलत है। सेकेंड ऑफ ऑल, विदाउट नीट या कोई नीट फेल कर गया वो भी एज ए प्री मेडिकल, उसके क्षेत्र में आपको क्या होगा, आपको 1 ईयर जो है, पहला 1 ईयर आपको प्री मेडिकल प्रिपरेशन के लिए तैयार किया जाता है बाय द डॉक्टर्स। आप ये यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी एडमिटेड हो सकते हो, आप बाहर नहीं जा सकते, मतलब आपको स्टडी वीज़ा नहीं मिलता जब तक आप नीट पास नहीं करते हो, बट यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS कोर्स यहाँ पे, यू कैन गेट वेल ट्रेंड बाय दिस 1 ईयर, हॉस्टल में रहो, पढ़ाई करो। नीट पास करने का जिम्मेदारी मैं पर्सनल व्यू से बोल रहा हूँ, मेरा स्टूडेंट्स के थ्रू में हेल्प मिला है। ओके, सो देखिए, मोरल डाउन मत कीजिए। नंबर 2, टाइम को वैल्यू देना सीखिए। नंबर 3, टाइम इक्वल्स टू मनी माय फ्रेंड्स।
अब दोनों में से कुछ भी आप यूटिलाइज करो वो आपके ऊपर है, या तो आप टाइम को यूटिलाइज करो या तो आप मनी को लेके बाद में कंपनसेट करो। तो ऐसे ही ऑफ बीट इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप आप सभी का सपना या पढ़ने का आपका जो भी ख्वाहिश है वो पूरा हो। आई विल बी एज अ बिग ब्रदर टू एवरी वन हियर। जो लोग एक लूप होल्स ढूंढना चाहते हो एजुकेशन सिस्टम में कि सर मेरा इच्छा तो है मैं कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन वैलिड तरीके से कैसे करूँ, आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट एज योर बिग ब्रदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आप लोग चाहते हैं मैं ऐसे और भी इंफॉर्मेशन लाते जाऊँ आप लोगों के सामने। थैंक्स एवरीवन, हैव ए गुड डे एंड हैव ए गुड नाइट।